हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसके बारे में बताएंगे। आपको त्रिकोणमिति के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। माना इस मीनार की ऊंचाई h है और इस बिंदु से इसकी दूरी अगर दिया है क्वेश्चन में कि 20 मीटर की दूरी पर है और एंगल बना रहा है, कोण बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, किसी क्वेश्चन में 45 डिग्री कुछ भी दे सकता है। तो अब जो है कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देख रहे हैं कि अगर हम लें टैन 30 अंश तो क्या होगा, लंब बटा आधार। थीटा की सम्मुख भुजा यह क्या होगी, लंब होगी, और इसकी संलग्न भुजा यह क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और 90 अंश की सामने की भुजा आपको बताया गया था, 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को जो है परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को जो है बेस बोलते हैं। तो देखिए, अज्ञात तो यही है, यह क्या है आपका, अज्ञात, और यह आपका क्या है, ज्ञात है। अब हमें अज्ञात को ही ज्ञात करना है, तो आपको कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब देखिए, यहां पर आपको एंगल पता है, इसके बीच की दूरी पता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का आप प्रयोग करना सीख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। इसके माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो टैन 30 अंश लंब क्या है आपका, यच है, और आधार क्या है आपका, 20 है। तो यच बराबर 20 इंटू टैन 30 डिग्री, तो एच इज इक्वल टू 20। टैन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3। अब इसका चाहेंगे तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अंश और हर में कर्णी में 3 का गुणा कर सकते हैं। तो कर्णी में 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो 20 कर्णी में 3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 3 हो जाएगा, कर्णी में 3 में कर्णी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यह भी आपका उत्तर हो जाएगा। यह मीनार की क्या है, ऊंचाई है। इस चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे नदी की चौड़ाई निकालते हैं, कैसे बिल्डिंग की ऊंचाई निकालेंगे, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए, पहला परिभाषा है दृष्टि रेखा की परिभाषा। परिभाषा क्या है, देखिए, जब एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, यहां पर कोई, देखिए एबीसी आप देख रहे हैं, यहां कोई प्रेक्षक है। जब एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहे हैं कि वस्तु है या, जब एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख और इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यह सीए क्या है, यही दृष्टि रेखा है। अब आइए, दूसरा हेडिंग है उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र घुमाते हैं, आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझें। यह एक समकोण त्रिभुज एबीसी है,
अब यहाँ कह रहा है जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से, यही जो क्षैतिज तल है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? इस वस्तु को देखने के लिए। यदि आपको खम्भे को देखना है तो अपने नेत्र को ऊपर की ओर करते हैं, तभी वह वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। तो दिखाई कब देगी? जब यह क्षैतिज रेखा और इस वस्तु को मिला देंगे तो जो आपके आंख पर यह कोण बनेगा वही उन्नयन कोण कहलाएगा। तो यही परिभाषा है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र घुमाते हैं तो इस प्रकार नेत्र पर क्षैतिज रेखा से बना कोण, क्षैतिज रेखा से बना कोण, इस वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह उन्नयन कोण की परिभाषा है। यह थीटा है और यहां पर इसको इंगित किया गया है उन्नयन कोण। अब आइए अवनमन कोण की परिभाषा क्या है। जब एक प्रेक्षक नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देखता है, यदि मान लीजिए कि आप छत पर हैं और किसी वस्तु को आपको देखना है तो हमें नेत्र को नीचे की तरफ घुमाना पड़ता है, तभी वह वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं अवनमन कोण की। जब एक प्रेक्षक नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देखता है, यहाँ पर प्रेक्षक है मान लीजिए कि छत पर है। जब एक प्रेक्षक नीचे की ओर स्थित, यहाँ पर क्या है, वस्तु है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है, ध्यान रखिएगा। जब एक प्रेक्षक नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा का, ये देखिए दृष्टि रेखा है क्या, अगर इसको हम ए लिखें इसको सी लिखें तो यही आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा, यही आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। अभी आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा बताई गई है कि जब एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, प्रेक्षक यहां पर है और वस्तु यहां पर है, तो प्रेक्षक जो है इस वस्तु को देख रहा है तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को, प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा क्या है, ऐसी है, यही दृष्टि रेखा कहलाती है। तो जब एक प्रेक्षक नीचे की ओर स्थित किसी वस्तु को देखता है, देखिए प्रेक्षक यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ, यही आपका क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है, तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, अवनमन कोण का अवनमन कोण है। और जो है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी के माध्यम से हम कोई भी प्रॉब्लम विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया की लंबाई 10 कड़ी में 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। इसमें जो है पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, और आपको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया यह है कि मीनार की ऊंचाई क्या दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मीनार की ऊंचाई आपको दिया है 30 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई जो है ए बी सी, मीनार की ऊंचाई दिया है क्या आपका, एच इज इक्वल टू ए बी का मान दिया है, यही क्या है 30 मीटर। ध्यान से सुनिए, यही मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है जिसकी लंबाई ऊंचाई दिया है 30 मीटर, और इस मीनार की छाया कह रहा है कि 10 कड़ी में 3 बनता है, 10 कड़ी में 3 मीटर इसकी छाया बनती है। इस मीनार की छाया जो ए बी मीनार है, इसकी छाया जो है बी सी
जो है कि 10 कड़ी में 3 मीटर कह रहा है कि है इसकी छाया। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो माना कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए, अब दोनों ज्ञात है और अज्ञात क्या है, थीटा है। और आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताए थे, देखिए इसमें मीनार की ऊंचाई क्या है, अज्ञात है, और इसके बीच की दूरी 20 दिया है, और यहाँ पर एंगल दिया है। इसका मतलब यह हुआ है कि तीन में आपको दो ज्ञात रहेगा, एक को ही जो अज्ञात है उसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यह भी ज्ञात है, यह भी ज्ञात है, और हमको थीटा निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अब देखिए यह क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा ए बी लंब होगी, थीटा की संलग्न भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब जो है कि लिखिए टैन ऑफ थीटा। जनरली हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, लेकिन शुद्धतम रूप है टैन ऑफ थीटा, थीटा का टैन। ऐसा क्यों, क्योंकि थीटा पर ही टैन की वैल्यू डिपेंड है। साइन थीटा हम पढ़ते हैं, है क्या, साइन ऑफ थीटा है, थीटा का साइन, थीटा का ज्या, थीटा पर ही साइन की वैल्यू क्या है, डिपेंड है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब एंगल बदलेगा तो साइन की भी वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। इसका मतलब थीटा पर ही साइन की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड होती है, इसको याद रखिएगा। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बी क्या है, 30, और आधार क्या है, 10 कड़ी में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 3 30, तो 3/√3, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3/√3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3, और टेन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3। आपको त्रिकोणमिति सारणी बताई गई है, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तो टेन से टेन कैंसिल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यही जो है आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपने प्राप्त किया 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा।